आज बहुत कम लर्नर्स अभी ज्वाइन किए हैं, तो वेट करते हैं थोड़ा सा बाकियों के ज्वाइन करने का। अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कोई और ग्रुप है तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं कि आज बिजनेस लॉ का एक और सेशन है और कल एक और होगा, तो दैट अदर्स में ज्वाइन।
आई थिंक जिन्होंने ज्वाइन करना था वो कर चुके हैं, अगर कोई बीच में आएगा तो वो ज्वाइन कर लेगा। हम अपने ब्लॉक फोर से स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप से। तो जो लोग आए हैं उनको एक बहुत ही कॉमन सी टर्म है पार्टनरशिप, जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है वो ब्लॉक फोर्थ। तो जो लोग आए हैं उनमें से जो भी पार्टनरशिप के बारे में बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी बताना चाहे तो बताए, उसके बाद हम डिस्कस करके फिर इसको शुरू करते हैं। पार्टनरशिप के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या पार्टनरशिप क्या होती है आपके, आप लोगों के हिसाब से, आप में से कोई भी बता सकता है, सही गलत मैटर नहीं करता है, जस्ट हम एक डिस्कशन सेशन कर रहे हैं तो कोई भी बता सकता है। तो जैसे कि एक लर्नर ने बीच में कमेंट्स में बताया, आप बोल के बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। यहाँ एक नॉर्मल डिस्कशन सेशन है, कोई क्लासरूम नहीं है जहाँ पे आपको कोई जज करेगा। तो व्हेन टू और मोर पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस, ऐसा एक लर्नर ने बताया, इट इट इज़ कॉल्ड अ पार्टनरशिप। तो एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, बस बिल्कुल ठीक है। तो पार्टनरशिप वही होती है जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं। उसके लिए जितने भी लॉज हैं वो सारे फॉलो करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं किसी भी पार्टनरशिप के, जो डीड्स हैं वो सारी वो फॉलो करते हैं। कई पार्टनरशिप ऐसी होंगी जो विदाउट एनी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन होगी, सिर्फ वर्बल कमिटमेंट्स पर होगी। कोई पार्टनरशिप ऐसी होंगी जो जो पूरी डॉक्यूमेंटेड होगी, जिसके अंदर कितना शेयर, कितना कौन कितना लायबल है, किसका कितना शेयर है, कौन के कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, वो सारा कुछ उसमें मेंशनड होगा। तो ये होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और को ऑनरशिप दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा कि पार्टनरशिप क्या होती है, अब इनकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है पार्टनरशिप की। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, इट मस्ट अराइज आउट ऑफ एन एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट मस्ट कैरी ऑन अ बिजनेस। ये सारी चीज़ें, ये डेफिनेशन है, ये कुछ रूल्स हैं जिनके जो डेफिनेशन है जो इंडिकेट करती हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। टू और मोर पर्सन, तो किसी पार्टनरशिप में कोई अकेला पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता ऑफकोर्स। तो देर शुड बी एटलीस्ट टू पर्सन फ्रॉम टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। इफ द नंबर ऑफ द पार्टनर्स गेट रिड्यूस टू वन बाय एनी रीजन, से डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इट वुड केस टू बी सीज टू बी ए पार्टनरशिप। एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म, द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट। हाउएवर द कंपनीज एक्ट 2013 पुट्स द सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ पर्सन। तो अगर किसी वजह से दो पर्सन ने एक पार्टनरशिप फॉर्म की है, बट एक पर्सन किसी वजह से अगर डेथ के केस में या किसी भी केस में वो नहीं है अब वो पर्सन, तो वो पार्टनरशिप अब नहीं काउंट होगी, क्योंकि किसी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए। इसमें अब कुछ रूल्स बताए हैं हमारे गवर्नमेंट के रूल्स जो होते हैं। एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014, इफ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट मोर देन 50%, जस्ट अ मोमेंट, मैं तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ रूल्स हैं, एक्ट्स हैं। जैसे कि ये एज पर रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014, पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट ऑफ मोर देन 50%,
इट विल बी पार्टनरशिप कंसिस्ट ऑफ मोर देन 50%, इट विल बी इलीगल, दस द करंट लिमिट इज 50. यानी कि पार्टनरशिप अकॉर्डिंग, अगर ये रूल 10 ऑफ रूल्स कंपनी रूल 2014 की अगर हम बात करें, तो ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स 50 हो सकते हैं. अगर 50 से ज्यादा पार्टनर्स हो जाते हैं तो वो इलीगल है. हाउएवर सेक्शन 464 ऑफ 2013 एक्ट स्टेट्स, प्रोवाइडेड द नंबर ऑफ पर्संस व्हिच मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सबसेक्शन शैल नॉट एक्सीड 100. दिस मींस रूल्स लिमिट सीलिंग कैन बी प्रिस्क्राइब्ड, बट व्हाटएवर लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड इट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 100. तो एक रूल के हिसाब से 50% है और दूसरे सेक्शन 464 और 2013 एक्ट के हिसाब से एक सीलिंग है, एक लिमिट है, उससे नीचे ही पर्संस होने चाहिए. अब एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस, क्या एग्रीमेंट होता है, कैसे होता है? पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज ओरिजिनेट्स फ्रॉम एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस, द एग्रीमेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. किसी को पता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है और इम्प्लाइड एग्रीमेंट क्या होता है? हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी क्लासेस में. तो कोई भी एग्रीमेंट एक्सप्रेस तब होता है जब वो द एग्रीमेंट मे बी एक्सप्रेस रिटन और इम्प्लाइड. इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट पार्टनरशिप डज नॉट अराइज आउट ऑफ द स्टेटस एज इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली. तो एग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट तब होगा जब जो एक नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से एक एग्रीमेंट हो जाता है. तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट उसमें टाइम नहीं लगता है, वो जल्दी जल्द अगर किसी पार्टनरशिप को जल्दी से फॉर्म करना है उस केस में एक्सप्रेस एग्रीमेंट हम यूज करते हैं. इम्प्लाइड एग्रीमेंट वो होता है जिसके अंदर हम अपने जो ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म्ड हैं वो तो सारे मानते ही हैं, और हम अपने कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशन, कितना किसका शेयर है, कितना कौन पार्टिसिपेट करेगा और क्या 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 चीज़ें लायबल होंगी, कौन कितना लायबल होगा, ये सारी चीज़ें हम उसमें मेंशन करते हैं, तो वो आ जाता है इम्प्लाइड एग्रीमेंट. अब ये है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स वही है जो आप अपना अगर एग्रीमेंट करते हैं तो आप अगर उसके अंदर दो पार्टनर्स हैं और आप कोई उसकी उसमें कोई एक डेफिनेशन या एक डेफिनेट वैल्यू मेंशन नहीं करते हैं तो वो दोनों पार्टनर्स 50-50% के पार्टनरशिप में होंगे. अगर वो कुछ काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं और आप अपने जो एग्रीमेंट है उसके अंदर मेंशन करते हैं कि किसके कौन कितना लायबल होगा, किसकी कितने पास पार्टनरशिप होगी, तो वो सारी चीज़ें आएंगी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा. फॉर एग्जाम्पल अ मैनेजर हु इज अ पार्ट ऑफ हिज रेन्यूमरेशन शेयर हिज प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैन ओनली क्लेम टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म नॉट द पार्टनर. तो मैनेजर अगर कोई है और वो अपनी रेम्यूनरेशन ले रहा है, यानी कि अपनी जो वेजेस ले रहा है सिर्फ शेयर्स, अगर जो कोई प्रॉफिट होता है बिजनेस के अंदर उसमें से रेम्यूनरेशन उसको भी दी जा रही है, उस मैनेजर को भी दी जा रही है, तो वो एक पार्टनर नहीं होगा बट वो सिर्फ एक मैनेजर ही रहेगा, बट वो प्रॉफिट्स में एक एक जो शेयर है उसका, जो उसकी रेम्यूनरेशन है उसको एंजॉय करेगा. बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि बिजनेस में अगर काफी सारे पार्टनर हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि सबके पास एक डिसीजन लेने की पावर हो, कि आप अलग अलग पावर्स डिवाइडेड हो, कि आप एक सेक्शन का डिसीजन ले सकते हैं, आप इस सेक्शन के हेड हैं, आप इस सेक्शन के हेड हैं करके, तो वो अपने अपने सेक्शंस के डिसीजन ले सकते हैं. और दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप मिलके एक एक पर्सन को चूज कर लेंगे. अगर आप 10 पार्टनर्स हैं, यू विल बी चूजिंग वन पर्सन हु विल बी टेकिंग डिसीजंस ऑन योर बिहाफ, वो आपके बिहाफ पे डिसीजंस लेगा. तो ये होता है बिजनेस कैरिड बाय ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई भी एक पर्सन सारों के लिए एक्ट कर रहा है. तो टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ ग्रुप ऑफ पर्संस कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टनरशिप एंड वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म, वी हैव टू असर्टेन द रियल रिलेशनशिप अमंग द पार्टीज. इफ द पार्टीज हैव ड्रॉन एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट देयर रियल रिलेशन मे बी नोन फ्रॉम द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ दे हैव नॉट ड्रॉन एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट देयर रियल रिलेशनशिप इज टू बी गैदर्ड फ्रॉम अदर रेलिवेंट फैक्टर्स सच एज कंडक्ट ऑफ पार्टी, सर्कमस्टांसिस अंडर विच द कॉन्ट्रैक्ट टुक प्लेस, बुक ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट. तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कि आप पार्टनरशिप कैसे टेस्ट करेंगे, कौन क्या पार्टनर है कौन नहीं है. तो या तो आपको जो एग्रीमेंट है उससे पता चल जाएगा कौन कितना पार्टनर है,
इन केस कोई एग्रीमेंट बना ही नहीं है तो आप उस केस में अदर फैक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे कि पार्टनरशिप के टाइम कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या क्या चीजें हुई थी, ये सारी चीजें इन्वॉल्व करके आप पता लगाएंगे कि आपके जो पार्टनरशिप है वो किस किस के बीच में है, कौन कौन इसके पार्टनर्स हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे कि ए एंड बी हु आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म बोरो मनी फ्रॉम सी, दो लोग हैं ए और बी, उन्होंने एक सी फर्म से, जो पार्टनर्स हैं उन्होंने एक सी फर्म से मनी बोरो कर ली, यानी कि मनी ले ली। हु लेंड्स इट ऑन द कंडीशन दैट ही विल टेक 10% शेयर इन प्रॉफिट्स एंड हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Despite these factors, C cannot be regarded as partner because there are no intention to associate C as a partner. तो अगर आपने किसी ऐसा, आप दो लोग एक पार्टनर हैं, आपने किसी से एक लोन लिया है, अगर उसने एक कंडीशन रखी है कि जब तक आपका लोन ये उतरता है तब तक मैं कभी भी आपकी अकाउंट्स की बुक चेक कर सकता हूँ और मैं आपके 10% शेयर लूंगा जब प्रॉफिट के प्रॉफिट्स में, तो इस केस में C एक पार्टनर नहीं है क्योंकि जो ए और बी है उन्होंने किसी भी इंटेंशन ऐसी नहीं दिखाई, वो सिर्फ सी की कंडीशंस हैं उस लोन के टाइम पे, तो सी एक पार्टनर कंसीडर नहीं होगा उस केस में। अब पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस होता है या क्या दोनों अलग अलग हैं या सेम हैं, वो हम इस बारे में पढ़ेंगे। एज स्टेटेड अर्लियर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट A joint common interest in their property does not itself make such persons partners. Thus, the mere fact that two or more persons own same property jointly and share its income does not mean that they are partners. They are called co-owners. For example, sons who inherit some property from the father are not partners, though the property were to be managed jointly and its income shared by them. Such a relationship is regarded as co-ownership. If, however, the sons enter into an agreement to run a coffee house in the building and share the income thereof, they will be regarded as partners. तो इससे आप समझ सकते होंगे कि co-owners कौन होते हैं और partners कौन होते हैं। For example, अगर आप दो लोगों के पास एक land है और आप दो लोगों के बीच में कोई mutual agreement नहीं हुआ है, पर वो दो लोग, अगर आप किसी एक 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 father है, उनके दो son हैं और उनके पास एक father की जो inheritance में land आ जाती है, तो उस केस में जो दोनों सन्स हैं वो को-ओनर्स कंसीडर होंगे, ना कि पार्टनर्स कंसीडर होंगे, जबकि वो सेम लैंड को शेयर कर रहे हैं, उसका जो उससे जो लैंड से इनकम हो रही है वो शेयर कर रहे हैं, बट ये एक को-ओनरशिप होगी ना कि पार्टनरशिप। पर अगर वहीं वो दोनों जो सन्स हैं वो मिलकर एक कॉफी शॉप खोलते हैं, वहां पर उस लैंड के ऊपर कॉफी शॉप खोलते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, एक रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं, वर्बल एग्रीमेंट करते हैं कि हम इस तरह से इसका प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये हमारी ड्यूटीज लाइबिलिटीज होंगी, तो उस केस में वो पार्टनर्स कंसिडर होंगे ना कि को-ओनर्स कंसिडर होंगे। तो ये कुछ फीचर्स हैं पार्टनरशिप और को-ओनरशिप के, ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें से एक पढ़े हम, Co-ownership does not necessarily exist for the sake of gain, but partnership exists for no other purpose. यानी कि जो co-ownership है, ऐसा हो सकता है कि co-ownership में कोई gain ना भी हो आपको, पर आप दोनों owners हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई land है जिसपे आप कुछ भी grow नहीं कर रहे हैं, पर वो आप दोनों की land है, तो वो co-owners के केस में जरूरी नहीं है कि आपको एक कोई gain होगा ही होगा, पर partnership के केस में एक solely एक purpose यही होता है कि हमें किसी भी तरह से gain हो किसी चीज का। तो ये पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली भी एक रूल है। जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिवेलिंग ओनली इन इंडिया। जो जॉइंट हिंदू फैमिली है ये एक तरह का रूल है या फिर एक बिजनेस एक यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस एक टाइप है जिससे हम बिजनेस कर सकते हैं और ये इंडिया में ही अवेलेबल है। इट इज बिजनेस विच बिलोंग्स टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ। तो एक हिंदू लॉ ऑलरेडी हमारा बना हुआ है और ये हिंदू फैमिलीज के ऊपर ही इम्प्लाइड है। तो इसके अंदर हिंदू लॉ के अंदर क्या क्या होते हैं, दो स्कूल हैं, मिताक्षरा और उसके बाद है दयाभागा। अगर इसमें से हम एक की बात करें, इट इज एप्लीकेबल, जो दयाभागा है वो एप्लीकेबल है सिर्फ बंगाल और असम में। अकॉर्डिंग टू दिस द मेल हेयर्स बिकम द मेंबर्स ओनली ऑन द डेथ ऑफ द फादर। तो दयाभागा एक तरह का एक हिंदू रूल है जिसके थ्रू वो भी एक पार्टनरशिप का एक रूल है और ये फॉलो कहाँ पे होता है, बंगाल और असम में। और इसमें क्या होता है कि जब जो बेटा है वो तभी मेंबर बनेगा जब फादर की डेथ की केस में ही सिर्फ मेंबर बनेगा, जब तक फादर अलाइव है तो वो एक मेंबर नहीं होगा। तो ये कुछ रूल्स जो है आप इनको पढ़ सकते हैं, बड़े इजीली समझाए हैं विद एग्जांपल्स।
तो आप इनको बड़े इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली यार, मतलब जो ये रूल है जॉइंट हिंदू फैमिली उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो एक फीचर अगर हम पढ़े, द डेथ ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली डज नॉट डिजॉल्व द बिजनेस ऑफ द फैमिली। यानी कि अगर कोई भी, अगर 10 लोग हैं फैमिली में, अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस डिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें इसमें, कंपेयरिंग द अबव फीचर्स ऑफ जॉइंट इन द फैमिली विद द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वी कैन इजीली असर्टेन द पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन द टू। यानी कि जॉइंट इन द फैमिली के बीच में जो कुछ पॉइंट, अगर आप पार्टनरशिप और जॉइंट इन द फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स को दोनों को देखें तो उनके बीच में ये समराइज कर सकते हैं हम। क्रिएशन, रेगुलेशन, लॉ, इनमें से अगर हम एक पढ़े, माइनर मेंबर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द फर्म, ही कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। इन द जॉइंट इन द फैमिली अ पर्सन बिकम्स अ कारपेंसर राइट ऑन हिज बर्थ, को पार्सन। तो आप इस ये डिफरेंस समझ सकते हैं पार्टनरशिप में और जॉइंट इन द फैमिली के रूल, जॉइंट इन द फैमिली का अगर कोई रूल्स में। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो माइनर है, अगर कोई भी अपनी एज अटेन नहीं करी है उसमें, तो उस केस में जो जस्ट अगर किसी ने एक पर्टिकुलर एज अटेन नहीं करी और वो अभी माइनर है, तो उस केस में वो एक पार्टनर कंसीडर नहीं होगा। पर अगर हम ज्वाइंट इन द फैमिली की बात करें तो कोई भी जो पर्सन है वो एक ज्वाइंट इन द फैमिली पर्सन बिकम, कोई पर्सन है वो शेयर करेगा, बाय बर्थ ही शेयर करेगा, उसमें माइनर और मेजर की कोई बात नहीं है, वो बाय बर्थ ही शेयर करेगा अपने राइट्स को। ऐसे ही अगर एक और हम पढ़ें, राइट टू डीम्ड अकाउंट, द डेथ ऑफ अ मेंबर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी पार्टनरशिप इज डिसॉल्वड ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, द जॉइंट इन द फैमिली कंटिन्यूज टू ऑपरेट इवन आफ्टर डेथ ऑफ अ। तो क्या है, अगर पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप के केस में हमने पहले भी डिस्कस करा, अगर दो पार्टनर्स हैं किसी एक की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, पर जॉइंट इन द फैमिली में ऐसा नहीं है। तो ये पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की अगर हम बात करें कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डीड एक क्या होती है। अगर किसी को अभी आइडिया है कि डीड क्या होती है तो वो बता सकता है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, हम इसको अगर डिस्कस करें, तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स के बीच में, जो साइंड डॉक्यूमेंट होगा। मतलब आप एक साइंड डॉक्यूमेंट करेंगे, अगर दो या दो से ज्यादा पार्टनर हैं, एक साइंड डॉक्यूमेंट होगा जो एक साथ मिलके एक बिजनेस को रन करने का डिसाइड करेंगे, किस चीज के लिए, प्रॉफिट के लिए डिसाइड करेंगे। तो पार्टनरशिप डीड हम बनाते क्यों हैं, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर हमारे बीच में कोई इश्यूज होते हैं, तो पार्टनरशिप डीड में हमने ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन करे होते हैं कि कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, कौन रन बिजनेस को रन करेगा, कौन किस पार्ट को हैंडल करेगा। तो हर चीज पार्टनरशिप डीड में होती है और वो साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स होती है। तो हम अगर बाद में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस केस में पार्टनरशिप डीड हमारी बड़ी हेल्प करती है टू रिजॉल्व द इशूज। तो द पार्टनरशिप डीड यूजुअली कवर्स, मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होती हैं, ये देखिए ये 17 चीजें बताई हुई हैं। जैसे कि पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितनी देर ड्यूरेशन चल तक चलेगी पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब पार्टनरशिप शुरू हुई है, रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करने का रेशियो कितना कितना होगा, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एटसेट्रा, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में होंगी। मेथड्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स, मतलब पार्टनर अगर कोई पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो वो भी होगा कि आप कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि अगर फर्म बंद हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, किसी वजह से बंद करनी पड़ती है, तो उस केस में अकाउंट्स जो होगा उसको कैसे सेटल करेंगे, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में आती है। ये 17 पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है इन द एग्जाम्स, तो यू कैन इजिली राइट दोज इन द एग्जाम्स विद द हेल्प ऑफ दिस 17 पॉइंट्स। अब रजिस्ट्रेशन क्या होता है, एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किसी भी चीज को रजिस्टर करना,
रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन मीन्स गेटिंग पार्टनरशिप रजिस्टर्ड विद द रेगुलर फर्म्स ऑफ द एरिया इन विच द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड और प्रपोज टू बी सिचुएटेड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड Hence, it is for the partners to decide whether to get their firm registered or not, but indirectly by creating certain disabilities from which an unregistered firm suffers. The law has made the registration of firms desirable. These disabilities are such that sooner or later every firm has to get itself registered. So, agar aap ek partnership firm hain, to aap registration kara sakte hain apna apne according jo aapke jo ek लोकल एरिया है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करा सकते हैं, पर ये आपका एक हक है टू डिसाइड वेदर यू वांट टू रजिस्टर दिस पार्टनरशिप और नॉट। ये आप चाहें तो ना भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो कर भी सकते हैं, पर रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे ऐसे बने हुए हैं पार्टनरशिप के जो रूल्स एंड रेगुलेशन लोकल एरियाज में ऐसे बने हुए हैं कि आपको सूनर और लेटर कभी ना कभी अपनी जो पार्टनरशिप है उसको रजिस्टर कराना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इश्यूज आएंगे अगर आप रूल्स के साथ आप अपने लोकल रूल्स के साथ नहीं रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू आ ही जाएगा। तो सूनर और लेटर आपको रजिस्ट्रेशन अपने पार्टनरशिप का कराना ही पड़ता है। तो प्रोसीजर क्या होता है रजिस्ट्रेशन का, द नेम ऑफ द फर्म, द प्रिंसिपल प्लेस, बिजनेस ऑफ द फर्म, द नेम्स ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज बिजनेस, कहाँ अदर और जगह पर बिजनेस कैरी करती है, द डेट विच द पार्टनर ज्वाइन द फर्म, द नेम्स इन द फुल परमानेंट एड्रेसेस, द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। तो ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आप ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं टू रजिस्टर अ फर्म। इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आप नहीं रजिस्टर करवाते हैं, अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने आपको नहीं करानी है, तो उस केस में नो सूट कैन बी फाइल्ड इन अ सिविल कोर्ट बाय द पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और द अदर पार्टनर्स, यानी कि जो एक कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो आप एक सिविल कोर्ट में जाके अपना केस रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड ही नहीं थी। No suit in a civil court by a firm against third parties. अगर कोई third party से आपको issue है तो आप वो भी civil court में जाकर अपना नहीं issue raise कर सकते अगर आपकी partnership registered नहीं है। The firm or its partners cannot make a claim or set off or other proceedings based upon the contract. तो आप कोई further अपने जो आपने partnership में claims अपने दिए हुए हैं partnership में, क्योंकि वो registered नहीं है, तो आप उन क्लेम्स को फर्दर अपने अगर लॉ में जाके अगर कोई इशू आता है तो फर्दर उसे लॉ में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेड एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू सू द फर्म और एनी पार्टनर। तो थर्ड पार्टी का एक राइट, अगर आपने रजिस्टर नहीं भी कराया है तो भी अगर किसी थर्ड पार्टी को कोई इशू है तो वो आपके पार्टनर्स को सू कर सकता है, यानी कि अपने आपके पार्टनर्स को वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकता है। द राइट ऑफ द फर्म और इंस्टीट्यूट टू सूट और क्लेम सेट ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ द सूट हैज नॉट एक्सीड 100 ऑफ। ये कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्शंस हैं अगर आप रजिस्टर नहीं भी कराते उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। अब ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप किस पे डिपेंड करेगी, जो पार्टनर्स एक होता है पार्टनरशिप एट विल, जब आपने दो लोगों ने मिलके या दो से ज्यादा लोगों ने मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म की है, तो उस केस में आप डिसाइड करेंगे कि कितनी किस टाइम तक आपको ये पार्टनरशिप रखनी है, कौन सा क्या है उसकी ड्यूरेशन रहेगी, सारी चीजें आएंगी उसके अंदर। वैसे ही पार्टनरशिप एट विल के अंदर ये सारी चीजें हो जाएंगी, एंड द रिलेशनशिप एट विल इन सच सिचुएशन द पार्टनर्स आर फ्री टू टर्मिनेट। तो अगर आपने अपनी मर्जी से एक पार्टनरशिप बनाई है उस केस में आप जो है अपनी जो पार्टनरशिप है उसको कभी भी एंड कर सकते हैं। तो आप दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर डिसाइड कर लेते हैं दैट वी हैव टू एंड द पार्टनरशिप, तो उस केस में आप उसे अपनी विल से एंड कर सकते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है जिसमें आपने एक पर्टिकुलर डिफाइन किया हुआ है कि इतने टाइम तक, 2 साल तक, 4 साल तक ये पार्टनरशिप रहेगी, तो वो आ जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनर फर्म एंड फर्म्स नेम, तो ये सारी चीजें बड़े नॉर्मल सी हैं, जैसे कि एज द रिगार्ड फर्म नेम पार्टनर्स आर फ्री टू चूज एनी नेम एंड स्टाइल प्रोवाइडेड दे डू नॉट वायलेट द रूल्स रिलेटिंग टू द ट्रेड नेम ऑफ और गुडविल, दे मस्ट अडॉप्ट द नेम कैलकुलेटेड टू मिसलीड द पब्लिक। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिससे जो पार्टनर्स हैं अपनी फर्म का नेम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि वो जो नेम आप रख रहे हैं वो जो नॉर्मल पब्लिक है उनको मिसलीड ना करे किसी भी तरह से, ऐसा नाम हो जो रूल्स को वायलेट ना करे। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जो एक फर्म का नाम रखने टाइम आपको ध्यान रखने हैं।
अब पार्टनर किस किस टाइप के होते हैं? एक्टिव पार्टनर्स, जो एक्टिव पार्टनर्स वो होते हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं सारे डिसीजन मेकिंग में और चीज में, जो की बात करें तो हर चीज में जो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे वो एक्टिव पार्टनर्स होंगे। स्लीपिंग पार्टनर्स और डोरमेंट पार्टनर्स कौन होते हैं? स्लीपिंग पार्टनर्स वो होते हैं जो कई बार आपके जो इन्वेस्ट तो करेंगे आपकी कंपनी में, बट दे आर नॉट, या तो उनको एक एक डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं होगी, या फिर वो सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे और डिसीजन नहीं लेंगे, तो वो स्लीपिंग पार्टनर्स के केस में आएंगे। उसके बाद नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। तो नॉमिनल पार्टनर की अगर बात करें, पार्टनर इज नाइदर कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल और टू द फर्म एंड टेक्स अ शेयर ऑफ द, जो जैसे हमने अभी मैनेजर की बात करी थी कि उन्होंने जो एक मैनेजर है उन्होंने जो प्रॉफिट है उसमें से उनका शेयर जो है वो उनको रेमुनरेशन में मिला, तो वो एक पार्टनर तो नहीं है पर एक नॉमिनल पार्टनर है जिसने ना कि कोई इन्वेस्टमेंट करी है ना उन्हें जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसमें भी कोई एक पार्ट नहीं मिलेगा। बट सच अ पार्टनर मेरली लेंड्स हिज नेम टू द फर्म एंड डज नॉट हैव एनी रियल इंटरेस्ट इन द, तो उनका सिर्फ एक नाम चलता है, वो किसी ना किसी वजह से, नाम की वजह से। कई बार ऐसा होगा कि कोई एक ऐसा पार्टनर आप चाहेंगे जिसका नाम एक अच्छा इस्टेब्लिश्ड है, जिसकी एक रेपुटेशन है, आप उसका सिर्फ एक पार्टनर्स में नाम डाल देंगे तो ना वो कंपनी के प्रॉफिट शेयर करेगा ना वो कोई डिसीजन मेकिंग करेगा, बट स्टिल उसका नाम एक पार्टनर्स की लिस्ट में होगा, तो वो होते हैं नॉमिनल पार्टनर्स। उसके बाद ये कुछ और पार्टनर्स की टाइप है, आप पढ़ सकते हैं इसमें से। अगर हम नेक्स्ट पे चलें, पोजीशन ऑफ अ माइनर एज अ पार्टनर, तो माइनर पहले तो पार्टनर हो ही नहीं सकता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इस चीज को या हम डिस्कस कर चुके हैं कि अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, जो माइनर है वो पार्टनर नहीं होगा। तो यू नो दैट द एग्रीमेंट और विद माइनर इज अ वेल वर्ल्ड इन एन इश्यू सिंस पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, अ माइनर कैन नॉट आइदर एंटर इन टू अ पार्टनरशिप, ही कैन हाउएवर बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बाय एन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन द गार्जियन एंड द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, द राइट्स इन लाइबिलिटीज ऑफ अ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ। तो क्या है कि पार्टनर जो माइनर है, पहली बात तो वो पार्टनर नहीं हो सकता किसी भी फर्म का, पर आप अगर सारे चाहें, आप पार्टनर्स चाहें और आप किसी माइनर के साथ जो अपने बेनिफिट्स हैं अगर उनको शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उस केस में जो माइनर का एक गार्जियन होगा, आप उसके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे और आप बेनिफिट शेयर करेंगे। उस केस में माइनर के क्या क्या राइट्स होंगे, ये कुछ राइट्स बताए हुए हैं। जैसे इसमें से अगर हम एक पढ़ें तो ही हैज द राइट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, बट ही डज नॉट एंजॉय सच राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक्स अदर देन अकाउंट बुक्स एज दे मे कंटेन सीक्रेट्स। तो जो माइनर है और वो अभी माइनर एक सिर्फ एक पार्टनर किस केस में बनाए, वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, तो उसके क्या राइट्स होंगे? वो माइनर चाहे तो अकाउंट बुक्स चेक कर सकता है कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की, पर और कोई जो बुक्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स भी हो सकते हैं उनको वो नहीं देख सकता, वो सिर्फ से जो अकाउंट बुक है उनको ही देख सकता है अगर वो चाहे तो। ऐसे अगर एक और पढ़े, ही कैन बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑब्टेनिंग द मेजोरिटी एंड शैल बी एंटाइटल्ड टू द सेम शेयर विच इज गेटिंग एज अ माइनर। तो माइनर अगर एक एक एज, जैसे कि अगर कोई एज डिफाइंड है 18, अगर हम बात करें 18 अगर एज डिफाइंड है, तो माइनर जब उससे पहले सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहा था, पर अगर वो मेजर एज में आ जाता है, अगर वो मेजोरिटी में आ जाता है, 18 प्लस हो जाता है, उस केस में वो एक पार्टनर बन सकता है। वो पार्टनर उसको ही शैल बी एंटाइटल्ड, ही और शी शैल बी एंटाइटल्ड टू बिकम द पार्टनर एंड ही कैन बिकम अ पार्टनर। एंड वो क्या जो जो पहले सारे बेनिफिट शेयर कर रहा था वो अभी भी सारे बेनिफिट शेयर करेगा उस केस में भी। उसके बाद लाइबिलिटीज की अगर बात करें, तो हमने अब तक बात करी प्रॉफिट और शेयरिंग की, लाइबिलिटीज क्या होंगी? अ माइनर पार्टनर इज लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ही इज नॉट पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टीज एंड सो हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज्ड। तो क्या जो उसके पास जो जो प्रॉफिट्स शेयर कर रहा है, कोई भी अगर माइनर है और वो प्रॉफिट शेयर कर रहा है, तो वो उसी प्रॉफिट के लिए ही लायबल है सिर्फ, मतलब वो अगर कोई लॉस होता है तो वो अपने प्रॉफिट को ही रिटर्न कर सकता है या उस प्रॉफिट से उस लॉस को उसकी भरपाई कर सकता है, बट ही और शी कैन नॉट बी फोर्स्ड, ही और शी कैन इज नॉट लायबल के उसकी अगर कोई लॉस बहुत बड़ा लॉस हो जाता है कंपनी में, तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर उस लॉस को कवर करे, वो इस चीज के लिए लायबल नहीं है। बाकी पार्टनर्स लायबल हैं, अगर बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो बाकी पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी उस लॉस को कवर किया जा सकता है, बट नॉट इन द केस ऑफ माइनर।
जब वो अब जब वो पार्टनर जो है या जो माइनर है वो एक एज अटेन कर लेता है, यानी कि वो मेजर हो जाता है, तो उस केस में क्या क्या होगा? पोजीशन ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी, मेजोरिटी अटेन करने के बाद क्या होगा? व्हेन ही बिकम्स अ पार्टनर, इफ द माइनर बिकम्स अ पार्टनर ऑफ हिज ओन वायोलेशन और बाय हिज फेलियर टू गिव नोटिस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम्स। सर, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, ही बिकम्स पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल दैट्स। तो अगर जब वो मेजर हो जाएगा तो वो थर्ड पार्टीज के जो इश्यूज, जो थर्ड पार्टीज से कोई लॉस हो रहा है फर्म को या कोई भी चीजें हो रही हैं थर्ड पार्टी से, तो उनके लिए भी अब वो लायबल हो जाएगा क्योंकि उसने एक एज अटेन कर ली है, उसने एक मेजर वाली एज अटेन कर ली है। व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, यानी कि जब माइनर एक मेजर एज अटेन करता है तो वो चाह भी सकता है, ये भी चाह सकता है कि मैं, मुझे अब पार्टनर नहीं बनना, अब मैं कुछ और, वो ही और शी इज इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, तो वो ये भी कर सकता है कि वो पार्टनर ना बने। तो उस केस में उसके राइट्स क्या होंगे? हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ अ माइनर अप टू द डेट ऑफ गिविंग द पब्लिक नोटिस। जब तक वो एक पब्लिक नोटिस देता है जब तक उसके सिर्फ वही वाली लाइबिलिटीज होंगी जो एज अ माइनर थी, मेजर वाली कोई लाइबिलिटी उसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगी। तो ये यूनिट यहाँ पर खत्म हो रही है। तो इस यूनिट में हमने मेजर माइनर और ये सब चीजें पढ़ी, कौन मेजर है कौन माइनर है और लाइबिलिटीज। और तो इस यूनिट में अगर किसी को कोई इशू है तो पूछ सकता है, हम 2-4 मिनट का गैप लेते हैं। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप अपने अपने इश्यूज रख सकते हैं इस यूनिट में से, फिर हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। सर एक बार 12.4 बता दीजिए, मैं इंटरनेट इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई थी। को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप। जी इतना, और भी लोग अगर कोई इश्यू है तो पूछ सकते हैं, फिर हम ओनरशिप एंड को पार्टनरशिप दोबारा डिस्कस करेंगे। सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप? चैप्टर 12। सर हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से ज्वाइन नहीं हो पाई थी। कोई बात नहीं प्रियांशी, आप 12th के चैप्टर को देख सकते हैं, अगर कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं। सर दिवालिया क्या होता है? चाहे अगर आप किसी लोन को या किसी भी डेट को अगर आप पे नहीं कर पाते हैं और आप किसी भी वजह से आप पे नहीं कर पा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर कोई लोन लिया है तो आप दिवालिया घोषित हो जाते हैं उस केस में। दिवालिया के केस में फिर आपके ऊपर जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो आपके असेट्स को बेच के, आपकी चीज़ों को बेच के वो पूरी की जाती हैं।
तो किसी एक लर्नर ने पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड गवर्नरशिप, या डिफरेंस नहीं पूछा था उन्होंने, एक पॉइंट डिस्कस करने को कहा था हमने, जैसे कि पहले डिस्कस एक एग्जांपल लेके किया था कि पार्टनरशिप और गवर्नरशिप में क्या क्या आप कैसे समझ सकते हैं। अगर आप एक एक फादर के दो बेटे हैं अगर, या दो एक बेटा बेटी है जो भी है, अगर उनके बीच में, अगर उनके बीच में कोई लैंड की डिवीजन है, अगर उनके बीच में एक लैंड है जो फादर से इनहेरिटेंस में उनके पास आई है, उस लैंड पे कोई भी अगर क्रॉप उगती है, कोई भी फसल है, अगर उस क्रॉप के उगने के जो बेनिफिट्स जो उनका उनको सेल करने का जो बेनिफिट है, अगर उन दोनों को मिल रहा है, उन दो बेटा बेटी या जिसको भी मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो वो एक को ऑनरशिप होगी उस लैंड की, ना कि वो पार्टनरशिप होगी। बट वहीं अगर उसी उसी लैंड पे अगर वो दोनों एक एक फिजिकल एक एग्रीमेंट या एक वर्बल एग्रीमेंट कर लेते हैं आपस में, और वो उस लैंड पे एक कॉफी शॉप खोल लेते हैं या फिर उस लैंड के एक और किसी तरह से उसका यूज कर लेते हैं, तो उस केस में जब उन्होंने एक एग्रीमेंट आपस में कर लिया है उस लैंड का, जो जो उस लैंड के ऊपर कुछ बनाने का, उस कॉफी शॉप का प्रॉफिट शेयर करने का एक एग्रीमेंट कर लिया है, तो उस केस में वो एक पार्टनरशिप कंसिडर होगी, ना कि को ऑनरशिप कंसिडर होगी। हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करते सर हैं। जी थैंक यू सर, मैं नहीं ये मुझे भी पूछ यही रही बोलना हूँ, कि 50,000 ट्वेल्व डॉलर का एंड तुम्हारा टेन कुछ का नहीं होगा कि सबसे माल नंबर लगा पार्ट दिया। बता दीजिए, सबसे पॉइंट कौन सा पॉइंट बताइए? 12 पॉइंट। 12.10 का सिक्स पॉइंट जी इसमें क्या समझ नहीं आया आपको? बताइए प्रियांशी क्या समझ नहीं आया, मैं फिर वही एग्जैक्टली वही चीजें समझाऊंगा आपको। फ्रेंड्स अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज बीच में डिस्टर्ब ना करें ऐसे, अगर आपको पता है तो ही पूछें। सर। आवेदक समझ में एक गाना ही सेट चल गया इसका मतलब। आवेदकनी क्या होता है? क्या क्या होता है? आवेदनी अच्छा आवेदनी को अच्छा और मुझे इस वजह बता दीजिए कौन सी चीज आपको कोई समझ एक नहीं आ मिनट रही रुको, है। मैं इसको लाइन पे लेता हूँ, देखो आवेदन मैं इसको बोलता हूँ कि सर के पास जाओगे। वेट ठीक सर, हम मतलब कि ये कह रहे हैं, खिलाड़ी ने एक खेल पत्रिका छापने वाला संस्था ना यार, ये मैं तो उस के चीज के लिए कह ही नहीं रहा हूँ कि आप ऐसा कह रहे हो, यार आप आवेदनी ऐसा कह भी नहीं सकते, क्योंकि मान प्रधान क्योंकि के आप तो पद मैं ऐसा कह के रहे हो, मैं ऐसा संस्था कह के रहा हूँ अन्य साझेदारों पर प्रार्थना पर निर्भर है। अवेतनिक का मतलब अनपेड होता है, जो पे नहीं किया हुआ अभी तक, अब तक किसी ने पे नहीं करा है। अच्छा सर, जिसको वेतन नहीं मिल रहा है वो अवैतनिक होता है। ओके सर, चलिए नेक्स्ट यूनिट अब फिर डिस्कस करनी शुरू करते हैं। तो है राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स, मतलब उनके क्या क्या राइट्स हैं। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म हमने बनाई है, दो से ज्यादा लोगों ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है, तो उसके हमारे पास क्या उसके राइट्स होंगे, क्या हमारी लाइबिलिटीज होंगी, और क्या क्या हमारी चीजें हमें लाइबिलिटीज के साथ फॉलो करनी है। तो राइट ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं? राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू हैव एक्सेस टू द बुक्स। यानी कि अगर हम पार्टनर्स हैं, दो या दो से ज्यादा लोग पार्टनर्स हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, तो हमारे पास क्या क्या एज अ पार्टनर हमारे पास क्या क्या राइट होंगे कि हम जो कोई भी बिजनेस अगर हम मैनेज कर रहे हैं, एक बिजनेस मिलकर मैनेज हो रहा है, उसमें जितनी भी चीजें हो रही हैं उनको हैंडल करने का एक हमारे पास एक राइट है, उन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। हमें कंसल्ट करना एक हमारा राइट है कि हमें कंसल्ट करना जरूरी है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। उसके बाद राइट टू हैव एक्सेस टू द बुक्स, यानी कि जितनी भी बुक्स हैं वहाँ पे, अकाउंट्स की बुक हो सकती हैं, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, अगर कोई फूड कॉरपोरेशन है, कोई भी अलग अलग टाइप की जो बुक्स हैं वहाँ पर अवेलेबल, जो बिजनेस को रन करने में मदद करती हैं, तो हम एज अ पार्टनर हमारे पास राइट है कि हम उन सारी बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, हम प्रॉफिट्स जो हो रहे हैं उनको इक्वली शेयर करने का भी हमारे पास राइट है।
राइट टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, अगर कोई कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर कोई आ रहा है तो वो भी सारे पार्टनर्स में डिवाइड होगा। उसके बाद राइट टू रिटायर, अपना एक राइट है, अगर आप नहीं किसी वजह से उस बिजनेस को कंटिन्यू कर पा रहे हैं या एज एक पार्टनर उनमें से नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक राइट है, वो रिटायर भी हो सकता है वहाँ पे। राइट टू कंटेम्प्टिंग बिजनेस, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो शेयर्स हैं प्रॉफिट्स हैं वो भी शेयर कर सकते हैं, अनलेस अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, यानी कि अगर पहले से कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ। एग्रीड ऑन आउटगोइंग पार्टनर हैज द राइट टू क्लेम, अगर पहले से ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आप रिटायरमेंट के बाद शेयर नहीं कर सकते, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट पहले से नहीं हो रखा तो उस केस में आप रिटायरमेंट होने के बाद भी प्रॉफिट्स को शेयर कर सकते हैं। तो उसमें क्या कैसे शेयर कर सकते हैं, राइट टू क्लेम अ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म और क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म टिल हिज अकाउंट ऑफ फाइनली सेटल्ड। दिस रूल इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो ये डेथ के केस में भी वैलिड है। अब पार्टनर्स के हमने राइट्स पढ़ लिए, ड्यूटीज क्या होंगी पार्टनर्स की? तो ड्यूटीज क्या होंगी, जैसे कि टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, टू परफॉर्म पार्टनर्स ड्यूटी विदाउट रिसीविंग एनी रेमुनरेशन और टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस। तो ये नॉर्मल से कुछ ड्यूटीज हैं जिनको आप पढ़िए, आराम से पढ़ सकते हैं कि आप क्या क्या उनकी ड्यूटीज होंगी एक पार्टनर की, कि अगर कोई लॉसेज होते हैं तो वो पार्टनर्स सारे लाइबल हैं, वो सारे मिलके उस लॉसेज को वो करेंगे, किस भरपाई करेंगे लॉसेज की। तो ऐसे ही एक और ड्यूटी है कि द पार्टनर टू परफॉर्म पार्टनर्स ड्यूटी विदाउट रिसीविंग एनी रेमुनरेशन, मतलब आप अगर पार्टनर्स हैं तो जरूरी नहीं है जो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो हर चीज का आपको पैसा मिलेगा। अगर आप 10 लोग पार्टनर्स हैं, आप अपनी कंपनी के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा काम करते हैं तो जरूरी नहीं है उसके लिए कोई आपको रेम्यूनरेशन अलग से मिलेगी। तो आपका आपकी एक ड्यूटी है कि आप वो अपना जो अपना एज अ पार्टनर आपको अगर किसी फर्म को ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक्सपर्टीज देनी है तो आप दे सकते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रेम्यूनरेशन, कोई भी पैसा एक्सपेक्ट करे बिना। तो टू बी लाइबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स एंड ऑल सेवरली ऑफ ऑल ऑफ एक्ट्स फर्म डन व्हेन ही इज अ पार्टनर, दिस मींस दैट द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म कैन रियलाइज देयर ड्यूटी ड्यूज फ्रॉम द एनी पार्टनर, यानी कि अगर कोई लॉस हो जाता है तो अगर कोई और पार्टनर इस टाइम पे पे करने के उसमें नहीं है तो किसी भी पार्टनर से जिसके पास अभी पे करने की कैपेबिलिटी है तो किसी पार्टनर से पे करने की उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाए और वो जो लॉसेस हैं उनको पे कर दे। अब प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्या होता है, दैट अगर कोई भी प्रॉपर्टी होती है किसी फर्म के पास तो जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सारे उसके को ऑनर्स होंगे, उस प्रॉपर्टी के जितने भी पार्टनर होंगे सबकी प्रॉपर्टी वो मानी जाएगी। हेंस इट बिकम्स नेसेसरी टू असर्टेन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। नॉर्मली द पार्टनर्स बाय एग्रीमेंट आर फ्री टू डिटरमाइन एज टू व्हाट शैल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एंड व्हाट शैल बी द treated as the separate property of one or more of the partners, but when there is no such agreement and you want to know whether a certain property is the property of the firm or not, you will have to ascertain the source from which the property had been acquired, the purpose for which it was acquired and the manner in which it has been dealt with. तो वैसे तो अगर देखा जाए अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो सारे पार्टनर्स उसके को ऑनर्स होंगे, पर किसी केस में अगर पहले से एक एग्रीमेंट हो रखा है कि इतनी प्रॉपर्टी कंपनी की होगी और बाकी जो प्रॉपर्टी बची वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की होगी तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से चलेंगे। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में सारे उसके को ऑनर्स होंगे, उस प्रॉपर्टी के को ऑनर्स होंगे। तो प्रॉपर्टी जो है उसके अगर को ऑनर्स हैं तो कुछ जो एक कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें उसमें डिस्कस करने चाहिए, जैसे कि द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द परचेज ऑन अदरवाइज बाय और नॉट द फर्म, ऑल द प्रॉपर्टीज राइट्स एंड इंटरेस्ट ओरिजिनली बॉट बाय द टू द स्टॉक ऑफ द फर्म। तो ये कुछ चीजें हैं जो डिसाइड करेंगी कि वो जो प्रॉपर्टी है वो सारे पार्टनर्स की है कि नहीं या फिर वो किसी फर्म की है कि नहीं। द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद मनी, प्रियांशी बताएं। सर साझेदारों के माध्यम से समझौते के अधीन पर कर्तव्य मतलब क्या होते हैं इसका? कौन सा पॉइंट है बताएं? 32.2.2। अरे कहाँ आया? 32 नहीं होगा ब्रांच, 13 पॉइंट समथिंग होगा।
सर थोड़ा सा नीचे करिए, वहीं पे है। बताएं। थर्ड नंबर पे ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, फ्रेंडली पॉइंट बताएं, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा? थर्ड पॉइंट नहीं समझ में आया। थर्ड पे तो अभी हम नहीं, हम तो और आगे पहुंच चुके हैं, ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन इसी में थर्ड नहीं था, नहीं है नीचे वाले में बता रहे हैं, हाँ इसी में थर्ड पॉइंट। To contribute equally to the losses sustained by the firm, ये वाला पॉइंट? Yes sir। ये तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है प्रियांशी, कि कोई भी अगर फर्म में कोई भी लॉस होते हैं और जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे कंट्रीब्यूट करेंगे उस लॉस को झेलने में, उस लॉस को उठाने में, तो सारे पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे उस चीज को। यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म हमने डिस्कस कर लिया था, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज, मतलब अगर हम पार्टनर्स हैं, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और कोई थर्ड पार्टी से हम डील करते हैं, थर्ड पार्टी मतलब कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे बिजनेस में हेल्प करती है, तो पार्टनर्स का क्या रिलेशन होगा उस थर्ड पार्टी से? ईच पार्टनर्स एक्ट बोथ एज द एजेंट एंड द प्रिंसिपल, इट इज दिस पोजिशन ऑफ द पार्टनर्स विच गवर्न्स द रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टीज। Section 18 states that from the point of view of the third parties, a partner is an agent of the firm for the purposes of the business of the firm. In that capacity, he binds all other parties by the. तो जो भी partners होंगे वो as an agent भी काम करेंगे। अगर कोई third party से हम business deal कर रहे हैं तो वो जो partners हैं वो as an agent वो एक dealing कर सकते हैं, other partners के behalf पे भी वो deal कर सकते हैं। अब implied authority of a partner, the authority of the partner means his authority to bind the firm by his acts, the authority may be expressed or implied, the authority conferred on a partner by mutual agreement is called an express authority, but where there is no agreement and where partnership agreement is silent, the act of the partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried by the firm binds the firm, the capacity of a partner to bind the firm by his acts is called implied authority of a partner। तो जब हम कोई पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो हम उसमें एक एग्रीमेंट बनाते हैं और एग्रीमेंट में हमें हम एक मेंशन करते हैं कि कौन सा पार्टनर किस टाइप का डिसीजन ले सकता है, किसके पास क्या क्या अथॉरिटी। अगर ऐसा एक एग्रीमेंट बना हुआ है ऑलरेडी तो वो एक एक्सप्रेस एक्सप्रेस एग्रीमेंट के या एक्सप्रेस अथॉरिटी के रूप में माना जाएगा। वहीं दूसरा दूसरे केसेस में जब वहाँ एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, एक एग्रीमेंट नहीं है और एक पार्टनर अपने आप से कोई अथॉरिटी ले रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है, तो वो एक इम्प्लाइड अथॉरिटी मानी जाएगी, स्कोप ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आएगा वो। तो इसमें कुछ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो द एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन द यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन द फर्म्स बिजनेस। In other words, the act should such as is usual in the type of business carried on by the firm. For example, X and Y are partners in a retail business. Goods were sold to Z. Later, X received the amount from Z on behalf of the firm. Y does not know in this receipt, and X utilizes the amount for his personal use. Receiving money from the debtors. Is an act done in the usual course of business, hence the firm cannot claim the amount from Z on the plea that X had no authority to receive the amount. It is difficult to clearly lay down as what is usual and what is unusual in a business. It will depend on the nature of the business and the usage of the trade. For example, तो एक अगर आप दो लोग एक पार्टनर हैं और आपने एक तीसरे पर्सन के साथ थर्ड पार्टी के साथ एक बिजनेस किया है, अब आपको एक अगर प्रॉफिट हो गया है उस बिजनेस में और
किसी एक पार्टनर ने उससे पैसा ले लिया है, सामने सामने वाले जिससे आपने बिजनेस किया था उससे उसने जो प्रॉफिट हुआ वो ले लिया, पर दूसरे पार्टनर को इस जो लेन देन है इसके बारे में नहीं पता चला, और उस पार्टनर ने जिस पार्टनर ने वो पैसा लिया वो यूटिलाइज भी कर लिया, उस केस में जो दूसरा पार्टनर है वो जो जिस जिससे प्रॉफिट हुआ था उसको कोई भी लीगल नोटिस नहीं दे सकता है, क्योंकि जो एक प्रॉमिस था उसका, जो थर्ड पार्टी का प्रॉमिस था पैसे देने का, वो उसने अपना फुलफिल किया, चाहे उसने किसी भी पार्टनर को दिया हो। अब वो एक हमारा इंटरनल, एक एज अ पार्टनर हमारा एक इंटरनल मैटर है हम उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे, पर अगर एक किसी एक पार्टनर ने उस पैसे को बिना बताए यूटिलाइज कर लिया है, तो उस केस में दूसरा पार्टनर उस थर्ड पार्टी को कुछ, उस थर्ड पार्टी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, उस थर्ड पार्टी से दोबारा पैसे की डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जिस एक्ट्स के अकॉर्डिंग हमें एक कैरी आउट करनी होती है, पार्टनरशिप कैरी आउट करनी होती है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग हम अपनी जो पार्टनरशिप है उसको कैरी आउट करते हैं। इन इन कुछ टॉपिक्स को आप अगर खुद एक बार रीड करेंगे तो आपके लिए बड़ा इजीली हो जाएगा समझने के लिए। पोजीशन ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, मतलब आपने एक पार्टनरशिप फर्म बना ली, एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बना ली, तो उस केस में पोजीशन ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर्स बार बार या आ रहे हैं और कुछ पार्टनर्स छोड़ के जा रहे हैं, तो उनकी क्या क्या पोजीशन होगी, उनके क्या क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, वो हम सब इसमें डिस्कस करेंगे अभी। व्हेन देयर इज एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द पार्टनरशिप इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। द रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन, मतलब अगर कोई पार्टनरशिप ऑलरेडी बनी हुई है पर उसमें से कोई या तो जा रहा है या कोई आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप कैसे होती है, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है, या फिर दूसरे एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, या फिर कोई पार्टनर एक्सपेल हो जाता है, किसी पार्टनर को हम निकाल देते हैं, या कोई पार्टनर की किसी डेथ के केस में, या पार्टनर ट्रांसफर्स हिज इंटरेस्ट टू द अदर पर्सन, यानी कोई पार्टनर खुद अपनी मर्जी से छोड़ के चला जाता है और अपने जो इंटरेस्ट है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, तो इन सब केसेस में जो पार्टनरशिप है वो दोबारा से बनेगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उस पार्टनरशिप का। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी कि अगर कोई नया पार्टनर ऐड होना चाहता है तो वो कैसे होगा, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ही में अंडरटेक टू शेयर द लाइबिलिटीज फॉर द पास्ट एक्ट्स ऑफ द फर्म, बट दिस डज नॉट एंटाइटल द क्रेडिटर्स टू प्रोसीड अगेंस्ट द न्यू पार्टनर्स। तो यानी कि अगर कोई नया पार्टनर किसी एक बिजनेस में ऐड होना चाहता है तो उसकी मर्जी है, वो चाहे तो जो पिछली लाइबिलिटीज, यानी कि कंपनी के ऊपर अगर कोई और लाइबिलिटीज पहले से हैं जब वो पार्टनर नहीं भी था, तो वो चाहे तो उनके लिए भी लायबल हो सकता है, वो चाहे तो उन लाइबिलिटीज को भी अपने ऊपर ऑन कर सकता है जब वो नया पार्टनर बन रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो थर्ड पार्टीज हैं जिनके साथ हमने बिजनेस किया है वो उस पार्टनर को किसी भी तरह से उस पार्टनर को अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग करे, ऐसा नहीं होगा। द न्यू पार्टनर्स फॉर द रिकवरी ऑफ ओल्ड डेट्स अनलेस द न्यू फर्म हैज अज्यूम्ड द लाइबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म, द क्रिएटर्स हैव एक्सेप्टेड द न्यू फर्म एज देयर डेटर एंड। तो ये किस केस में जो नया पार्टनर है वो भी लायबल हो जाएगा, जो पिछले लॉसेज हैं उनके लिए भी, या तो वो फर्म दोबारा से बनी, जो पिछली फर्म थी उसको डिजोल्व कर दिया गया और फर्म दोबारा से बनी और जितनी भी जो हमारी लाइबिलिटीज थी अब वो न्यू फर्म के ऊपर ट्रांसफर हो गई, तो उस केस में जो नया पार्टनर है वो भी लायबल हो जाएगा किसी भी लॉसेज के लिए। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या होता है, जब विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स रिटायर हो सकते हैं आप, इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट, अगर आपने एग्रीमेंट में लिखा है कि आप इस एज के बाद कोई भी पर्सन रिटायर हो जाएगा पार्टनरशिप में से, तो उस केस में रिटायर हो जाएंगे। वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स, तो आप रिटायर किस किस तीन तरीके से हो सकते हैं, या तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट हो उस केस में आप रिटायर हो सकते हैं, दूसरा है कि आप एग्रीमेंट में पहले से ही मेंशन हो कि इस एज के बाद जाकर एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा, या फिर तीसरा केस ये है कि जब आपने पार्टनरशिप अपनी मर्जी से करी है, जब आपने कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं करा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि अगर आपने अपने पार्टनरशिप से रिटायर होना है तो आप एक लीगल एक नोटिस दे देंगे बाकी सारे पार्टनर्स को, एक अपना कंसेंट दे देंगे कि मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ, एक एंड अपनी जो बाकी सारे पार्टनर्स को एक एक नोटिस देके आप ये कर सकते हैं, अगर अगर कोई पहले से लीगल एग्रीमेंट नहीं है आपके बीच में।
तो जो रिटायरिंग पर्सन है उसके क्या क्या राइट होते हैं, मतलब अगर हमने पहले भी डिस्कस किया था दैट व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ रिटायरिंग पर्सन, तो एक अगर इसमें से पढ़े, ही कैन कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म एंड मे एडवर्टाइज सच बिजनेस बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी ही कैन नॉट यूज द नेम ऑफ द फर्म रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म सॉलिसिट द ओल्ड कस्टमर्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हाउएवर मे सम रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द रिटायरिंग पार्टनर्स फॉर एग्जाम्पल He may be restrained from carrying on the completing commitment. तो अगर कोई पर्सन रिटायर हो जाता है तो उसका उस बाद में उसके बाद वो उसके क्या क्या राइट्स हैं, तो उसके बाद वो अपने एक बिजनेस कैरी आउट कर सकता है और वो जो जिस फॉर्म में पहले से काम कर रहा था उसके साथ कम्पीट भी कर सकता है, वो उसका राइट है कि वो उसके साथ कम्पीट करे, अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करे, ये भी उसका एक राइट है। अगर कोई एग्रीमेंट पहले से नहीं बना हुआ तो वो नेम जो फर्म, अगर वो अपना एक बिजनेस खोलना चाहता है तो वो जो उसकी पुरानी फर्म है उसका नेम यूज नहीं कर सकता, यूज द नेम ऑफ द फर्म, या फिर वो ये नहीं कह सकता कि मैं अभी भी उस फर्म के साथ एसोसिएटेड हूँ या अभी भी उस फर्म को के साथ काम कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर हम इसको डिस्कस करें, ही मे बी रिस्ट्रेंड फ्रॉम कैरिंग आउट ऑन कम्पीटिंग बिजनेस इन अ स्पेसिफाइड एरिया फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, दिस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिस्ट्रेन ऑफ अ ट्रेड। यानी कि अगर कोई रिटायरिंग पर्सन है तो उसको आप अगर पहले से कोई एग्रीमेंट करके रोक भी सकते हैं, अगर आप उस एग्रीमेंट में मेंशन कर देंगे कि आप रिटायर होने के बाद अपना कोई बिजनेस इस एरिया में नहीं कर सकते तो उसको उस एग्रीमेंट को मानना होगा और उसको उस एरिया में उस अपने कोई भी बिजनेस को नहीं करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा बिजनेस के साथ। ऐसे ही ये पार्टनर्स के कुछ और जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताई हुई हैं कि किस 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 केस में पार्टनरशिप, जैसे कि डेथ ऑफ अ पार्टनर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेथ ऑफ द पार्ट किसी भी पार्टनरशिप में दो लोगों की अगर पार्टनरशिप है और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगी। ये लास्ट जो है इस यूनिट में, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, एज पार्टनर हैज अ राइट टू ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म फुली और पार्शियली टू द थर्ड पर्सन but such a person is not treated as partner, neither he can take part in the conduct of the business or the firm, not in inspect its account. तो अगर कोई भी partner retire होता है या फिर वो छोड़ के जा रहा है तो वो जो अपना interest है यानी कि अपना जो उसका पैसा है वो किसी एक further third person को transfer कर सकता है, जो उसकी person उसकी मर्जी के एक person को transfer कर सकता है अपना जो amount है, but इस केस में जो जो थर्ड पर्सन है वो एक पार्टनर ट्रीट नहीं होगा, वो एज अ पार्टनर ट्रीट नहीं होगा, पार्टनर वही था जो जिसके साथ ऑलरेडी एसोसिएशन हो रखी थी, जो थर्ड पर्सन है वो एज अ पार्टनर ट्रीट नहीं होगा। नाइदर ही कैन टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि जिस पर्सन को अपने इंटरेस्ट आपने ट्रांसफर करें वो बिजनेस के कंडक्ट में भी कोई पार्ट नहीं ले सकता। इफ हाउएवर द पार्टनर ट्रांसफर हिज शेयर इन द फर्म ऑन इट्स डिसोल्यूशन or on ceasing to be partner, the transferee will be entitled to claim the share of the transferring partner in the assets of the firm and for the purpose of asserting that share he can ask the account. तो किस केस में जो एक जो आपने इंटरेस्ट अपना ट्रांसफर किया है किस केस में
सो देर वॉज अ इशू एट माई साइड. हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट. अगर पार्टनर का इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है तो वो क्या किस किस तरह से हो सकता है, और जो जिस पर्सन को हमने ट्रांसफर कराया थर्ड पर्सन को, क्या वो एज अ पार्टनर ट्रीट होगा कि नहीं होगा. तो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग हिम अ पार्टनर इन द फर्म विदाउट द कंसेंट. तो अगर किसी पर्सन को आप एक अपने इंटरेस्ट भी ट्रांसफर करते हैं, अपना जो आपके पास जितना भी शेयर है सब कुछ आप ट्रांसफर करते हैं किसी थर्ड पर्सन को, अगर आप चाहते हैं कि वो थर्ड पर्सन उस फॉर्म में पार्टनर बन जाए तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए. अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट करते हैं तो उस केस में वो पार्टनर बन सकता है. तो ये यूनिट यहीं पर ख़त्म होती है, 13 यूनिट. हम कोशिश करते हैं कि हम 14 को भी थोड़ा सा कर पाएँ. तो 13 में से अगर किसी को कोई इशू है तो वो पूछ सकते हैं. हम 2-3 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम 14 शुरू करेंगे. यूनिट 14 डिस्कस करनी शुरू करते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म किस किस केस में डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि डिसोल्यूट हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है.
किसी कोई भी इस बारे में बताना चाहे कि डिसोल्यूशन किस किस केस में होती है, किसी भी कुछ भी आइडिया हो आपको? खत्म किस किस केस में कोई भी पार्टनरशिप खत्म होती है? एक दो केस तो हमने अभी डिस्कस भी करे थे ऊपर। जी मैं बता रही हूँ बताएं प्रियांशी, बताएं। सर, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे एक कंपनी है, कंपनी में मतलब कि कई सारे मेंबर होते हैं, काम काम करने वाले होते हैं। जैसे कोई, क्या पूछा था आपने? कि पार्टनरशिप जो है, एक पार्टनरशिप अगर दो लोगों के बीच में या ज्यादा ज्यादा लोगों के बीच में, तो किस किस केस में खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी? जैसे सर बता रहे हैं आपको, सर जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी में कई सारे मेंबर होते हैं, और जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जिसमें मतलब कि कुछ भी उसका या कुछ भी नुकसान हो जाता है, या आग से नष्ट हो जाती है, तो मतलब कि तभी हो जाती है। हाँ कुछ कुछ ठीक है, और कुछ कोई और बताना चाहे ना? सर, यह दिवालिया घोषित हो जाता है तो भी तो हो जाता है। हाँ ठीक है, उस केस में भी हो सकता है। सर, इसमें चोरी से भी हो सकता है। क्योंकि चोरी और वो एक अलग चीज है, वो पार्टनरशिप अगर आप एक एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें एग्रीमेंट में अगर आप मेंशन करते हैं कि चोरी के केस में ये हो जाएगा और कुछ और हो जाएगा, तो उस केस में हो सकता है। फिर फर्दर टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं कि तो डिसॉल्व किस किस केस में होगा पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है फॉर एग्जांपल एबीसीडी आर कैरिंग अ ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ एज अ पार्टनरशिप फर्म, ए इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, द पार्टनरशिप ऑफ एबीसी एंड डी बिकम्स टू एन एंड एंड अ न्यू पार्टनरशिप बिकम्स बी सी एंड डी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो अगर एबीसीडी चार लोगों के बीच में एक पार्टनरशिप है, पर एक किसी पर्सन की या तो डेथ हो जाती है या उसे कोर्ट ने उसे एक कोर्ट ने उसके ऊपर कोई एक केस कर दिया है या कोर्ट ने उसे इंसॉल्वेंट बता दिया, यानी कि वो अब एक पार्टनरशिप नहीं कैरी कर सकता, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो अब जो पहली पार्टनरशिप थी चार लोगों के बीच में एबीसीडी के बीच में, वो खत्म हो जाएगी। अब पार्टनरशिप रह जाएगी सिर्फ बी सी और डी के बीच में, यानी कि तीन लोगों के बीच में पार्टनरशिप अब रह जाएगी। तो जो पहले चार लोग थे उनके बीच में अब वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो इस ऐसे केस में भी ये डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप हो सकती है। अब ये मोड्स कैसे, किस 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 तरह से, कौन कौन से तरीके से पार्टनरशिप एक खत्म हो सकती है, ये मोड्स कुछ बताए हुए हैं। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, और ये डायग्राम में अगर कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। सर, पारस्परिक सहमति द्वारा मतलब क्या? आप मुझे पॉइंट बताएं, क्योंकि हिंदी में मेरे पास बुक नहीं है तो मैं समझ नहीं पाऊंगा उस चीज को। आप मुझे पॉइंट बता दें कौन सा पॉइंट। सर, सबसे ऊपर सबसे किनारे मतलब कि दो एंगल बने हैं, है विदाउट द ना? ऑर्डर ऑफ कोर्ट, हाँ, बाय द ऑर्डर ऑफ न्यायालय कोर्ट, के आदेश आदेश के बिना उसके नीचे वाला पहला पॉइंट है। एक सेकेंड। सर, सबसे ऊपर बना है पहले डायग्राम, जी विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट में बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। यस सर। तो ये बताया हुआ है कि कोई भी पार्टनरशिप है, कोई भी फर्म है, मतलब कोई भी फर्म कब खत्म हो जाएगी, अगर कोई एग्रीमेंट पहले से नहीं हो रखा, मतलब कोई कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है उसको खत्म करने का, तो उस केस में कब होगी? जब आपस में चार लोग अगर पार्टनर हैं, वो चार लोग म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं, मतलब मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस फर्म को खत्म करना है,
तो उस केस में म्यूचुअल एग्रीमेंट का केस आएगा, और म्यूचुअल एग्रीमेंट में आप उसको खत्म कर सकते हैं अपनी पार्टनरशिप को। इसी में यार आगे चार पॉइंट्स दिए हुए हैं, कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑन। हाँ जी बताएं। जो लगातार लॉस होता है उसको क्या कहते हैं? लगातार लॉस होते हैं। नहीं, लगातार लॉस में किस चीज को पूछ रहे हैं आप? लगातार लॉस को तो लगातार लॉस ही कहेंगे, और क्या कहेंगे? आप किस किस पॉइंट के रेफरेंस में बोल रहे हैं? आप पॉइंट बताएं, मैं फिर उस हिसाब से समझाता हूँ। सबसे नीचे पे लास्ट के फर्स्ट वाला इंसेनिटी नहीं, परमानेंट इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, परपेचुअल लॉसेस। हाँ यही यही। तो ये है जब बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब अगर आप कोई कोर्ट ऑर्डर करते हैं किसी फर्म को खत्म करने के लिए, तो कोई कोर्ट कोर्ट कब ऑर्डर करेगी किसी भी फर्म को खत्म करने के लिए? जब उसके अंदर बार बार लॉसेज हुए जा रहे हैं, वो किसी भी तरह से अपने जो जो अपने लाइबिलिटीज है उनको भी पे नहीं कर पा रहा है, जो अपनी डेट्स है उनको भी पे नहीं कर पा रहा है, उन्होंने जो लोन पैसा उठाया है उसको भी पे नहीं कर पा रहा है, अगर उसको बार बार लॉसेज ही हो रहे हैं, तो एक कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि इस फॉर्म को अब डिसॉल्व कर दिया जाए, इस फॉर्म को खत्म कर दिया जाए, और जो इतना भी लॉस हुआ है वो उसके असेट्स से, यानी कि जो उनकी चीजें हैं उनसे वो कैरी आउट कर लिया जाए, यानी कि पूरा कर लिया जाए। तो यही चीजें नीचे समझाई गई हैं जो उस डायग्राम में थी। जैसे कि प्रियांशी ने पूछा परपेचुअल लॉसेज का, व्हेन द फर्म इज कंटिन्यूअसली सफरिंग लॉसेज इट इज अपेरेंट दैट द फ्यूचर ऑफ ऑल्सो द बिजनेस कैन नॉट बी कैरीड आउट on except at a loss the court may order a dissolution of the firm at the instance of any partner। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर बार बार losses हुए ही जा रहे हैं तो court एक decide करेगी कि ये क्योंकि इस firm को फायदा नहीं हो रहा है और permanently loss ही होते जा रहे हैं, तो उस केस में court एक order दे देगी कि अब इस firm को dissolve कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब consequence विघटन का मतलब क्या होता है? किसका विघटन? मुझे पॉइंट बताएं फिनेंशियल में। इसी का है जो अभी आपने पढ़ाया है, परपेचुअल लॉसेस। परपेचुअल लॉसेस का मैंने आपको बताया ना, इसमें क्या होता है परपेचुअल लॉसेस, इसमें क्या समझ में नहीं आया बताएं? सर विघटन नहीं समझ में आ रहा है, विघटन को कहते क्या है? आप हिंदी के छात्र हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा मेरे ख्याल से। विघटन का क्या होता है? डिसोल्यूशन ही, विघटन का मतलब डिसोल्यूशन ही होता है, यानी खत्म करना, डिसॉल्व कर देना किसी भी चीज को, विघटन। यस सर। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसॉल्यूशन, यानी कि विघटन के जो इन्होंने भी पूछा उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स ऑफ डिसॉल्यूशन, यानी कि जब डिसॉल्यूशन हो गई है, कंपनी खत्म हो गई है या कोर्ट ने उसे ऑर्डर कर दिया खत्म करने के लिए, तो क्या पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं, यानी कि क्या क्या उनके जो कर सकते हैं। राइट टू रिटर्न प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर वाइंडिंग अप, राइट टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई फर्म खत्म हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी अब बच जाती है, सारा कुछ डेब्ट्स वेट्स पे करके कुछ प्रॉपर्टी बच जाती है, तो सर हर पार्टनर का एक राइट है कि उनको वो जो प्रॉपर्टी है वो मिल इक्वली उनके अंदर उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। राइट इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड और मिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि अगर कोई जो कंपनी है या पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि वो विघटन हो जाती है, किस केस में? फ्रॉड के केस में अगर हो जाती है, तो उस केस में क्या क्या राइट होंगे? राइट टू सबरोगेशन, राइट टू इंडेमनिफाइड लीन ऑफ सरप्लस, यानी कि फॉर एनी सम्स पेड बाय हिम टू परचेज ऑफ अ शेयर इन द फर्म फॉर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम, द पार्टनर रिसेंडिंग द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट हैज राइट टू लीन ऑन द सरप्लस असेट्स लेफ्ट आफ्टर द डेट्स ऑफ द, तो जो भी कोई सरप्लस, यानी कि कोई एक्स्ट्रा जो भी जो सरप्लस असेट्स होंगे, जो डेट्स पे करने के बाद बचेंगे, वही जो हमें अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जितनी भी हमारे जो लाइबिलिटी लोन्स हैं उन सबको पे करने के बाद जो सरप्लस हमारे पास असेट बचेंगे, उन सरप्लस असेट्स को जो एक एक पार्टनर है उसका एक राइट है कि वो उस सरप्लस असेट्स उन सरप वो जो सरप्लस असेट है वो उसको पे कर दिए जाए, ये भी एक राइट है उस पार्टनर का। Right to be indemnified, the partner residing in the partnership contract has the right to be indemnified by the partner or partners guilty fraud or misinterpretation. तो indemnified का हमने कल मतलब पढ़ा था, अगर कोई बताए कि indemnified क्या है?
तो इंडेमनिफाइड का हमने कल भी मतलब पढ़ा था कि अगर कोई लॉस हो जाता है उस केस में, लॉस के केस में अगर आप एक गारंटी देते हैं कि आप उस लॉस को पे करेंगे तो वो एक इंडेमनिफाइड होता है। तो अगर किसी एक दो दो या तीन पार्टनर्स हैं, उनमें से किसी एक पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया है, करके एक लॉस क्रिएट कर दिया है, तो बाकी सारे पार्टनर्स के पास एक ऑटोमेटिकली एक राइट आ जाता है कि वो जो लॉस हुआ है उसको रीपे करने का, के जो जिस पार्टनर ने फ्रॉड करा है वो उन जो बाकी जो पार्टनर्स बचे उनको वो लॉस को रीपे करे, ये उसका एक बाकी पार्टनर्स का एक राइट है। अब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, कोई कंपनी खत्म हो जाती है, तो अकाउंट्स कैसे सेटल करेंगे, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48A, द लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ द कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, नेक्स्ट आउट ऑफ द कैपिटल एंड लास्टली इफ नेसेसरी द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द प्रोपोर्शन इन विच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स। यानी कि अगर 10 पार्टनर्स हैं, 10 पार्टनर्स ने अलग अलग, किसी पार्टनर को 10% प्रॉफिट मिल रहा है, किसी को 20% मिल रहा है, किसी को 25% मिल रहा है। अब क्योंकि कंपनी डिसॉल्व हो गई है और उसके उसके ऊपर कुछ लोन है, कुछ अमाउंट्स हैं जो उसको पे करने हैं कंपनी को, तो पहले कहाँ से पे करेंगे? पहले पे करेंगे अगर उस कंपनी को कोई प्रॉफिट हो रखा है उसमें से। अगर उसमें से पूरा नहीं होता तो दूसरे पे करेंगे जो उसके पास कैपिटल है, यानी कि उसके पास जितनी भी चीजें हैं, लैंड है, कुछ भी जो भी उसके पास असेट्स हैं, सारी चीजों को बेच करके उसका जो जो लोन है उनको चुकाएंगे। अगर उससे भी पूरा नहीं होता है तो फिर जितना भी पार्टनर, जैसे पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयर किया हुआ था कि 10% कोई प्रॉफिट लेगा, 15% कोई लेगा, 20% कोई लेगा, वैसे ही उसी उसी शेयर रेशो में अब जो लॉस हुआ है उसको भी पे करेंगे उसी शेयर रेशो में, कि इतना वो लॉस पे करेगा, उतना सेकंड पर्सन लॉस पे करेगा, ऐसे करके लॉसेस पे करेंगे सारे मिलके। उसके बाद अगर एक पॉइंट और डिस्कस करें इसमें से, तो जैसे कि पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट्स एंड सेपरेट डेब्ट्स ऑफ पार्टनर, यू नो दैट द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द डेब्ट्स ऑफ द फर्म, दिस मींस दैट इवन द प्राइवेट असेट्स टू द ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द फर्म्स डेब्ट्स इफ नेसेसरी। नॉट ओनली दैट, द थर्ड पार्टी हैज द राइट टू रियलाइज द होल अमाउंट फ्रॉम द एनी पार्टनर, द हाउएवर इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49 व्हिच सेज दैट द प्राइवेट असेट्स ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट टू पे हिज प्राइवेट डेट्स एंड देन इफ देयर इज एनी सरप्लस इट कैन बी अप्लाइड टू पे द डेट्स ऑफ द फर्म इफ नेसेसरी। दस द प्राइवेट पार्टनर्स प्राइवेट असेट्स कैन बी यूज्ड टू पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट्स ओनली आफ्टर हिज प्राइवेट लाइबिलिटीज। तो ये क्या कहना चाहते हैं, पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट्स एंड सेपरेट डेब्ट्स ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि अगर आपकी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को एक लॉस हो जाता है, कंपनी को लॉस हो जाता है, तो उस केस में हमने डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ से हम उसको उस लॉस को रिकवर करेंगे। तो जब लास्ट में हम उसे एक पार्टनर से रिकवर करना शुरू करेंगे, तो पहले ये देखा जाएगा कि उस पार्टनर के ऊपर अपने पर्सनल लेवल पे कोई लोन है कि नहीं है। अगर पर्सनल लेवल पे कोई लोन नहीं है तो फिर वो जो 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 जिस चीज के लिए वो लायबल है वो चीज उससे रिकवर की जाएंगी। पर अगर उसके ऊपर कोई पर्सनल लेवल पे लोन है, यानी कि उसने अपने पर्सनल लेवल पे भी कोई लोन ले रखा है, तो पहले उसके पर्सनल लोन को रिकवर किया जाएगा और उसके बाद जो फर्म का लॉस है उससे उसको रिकवर किया जाएगा। यानी कि जो उसके पर्सनल डेब्ट्स हैं पहले उनको देखा जाएगा, पर्सनल डेब्ट्स को पे करा जाएगा, उसके बाद अगर फर्म का कोई डेट बचता है तो उसको पे किया जाएगा। तो ये एक तरीका है जो लॉसेस हैं उनको रिकवर करने का।
ये यूनिट यहीं पर फिनिश हो रही है हमारी, लेट्स सम अप पे। अगर किसी को इस यूनिट में कोई इशू है तो वो पूछ सकता है। हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसमें अगर आप चाहें तो कोई भी जो इश्यूज हैं, अगर पिछले 3 यूनिट्स में कोई भी इशू है तो पूछ सकते हैं। अगर नहीं है कोई इशू तो हम इस सेशन को यहीं पर क्लोज करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड यू कैन मेक श्योर कि कोई इश्यूज हैं तो आप पूछ लें। सर, फर्म के विघटन पर जब ख्याति को बेचने बेच दिया जाता है तो कोई साझेदार क्रेता के व्यापार की प्रतिस्पर्धा में व्यापार कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रियांशी, इसमें पॉइंट बताया मुझे, क्योंकि मेरे पास हिंदी की बुक नहीं है तो मुझे पता नहीं चलेगा आप किस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। मुझे पॉइंट बताया, मैं फिर बताता हूँ आपको। सर 40.6 में है। 14.6, हाँ उसके जस्ट ऊपर वाला है, बस यही 5 नंबर यही। When after dissolution of the firm, goodwill of the firm has been sold, a partner may carry on business competing with that type of buyer. तो इसमें ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इसमें ट्रू और फॉल्स इसको सही या गलत बताना है ना? यस सर। इसमें आपको क्या समझ में आया, आप बताइए आपको क्या समझ में आया, फिर मैं बताता हूँ। बहन जी कोई बात नहीं, बता सकते हैं, जो गलत भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो फर्म है ना वो मतलब कि बेच दिया उसका, मतलब कि आधी आरएस पे मतलब कि बेचा होगा, क्योंकि आधा तो विघटन हो गया, मतलब कि घिस गया है, विघटन मतलब कि खत्म हो गया, समाप्त हो गया मतलब। तो कोई साझेदार क्रेता के व्यापार में प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है? प्रतिस्पर्धा का मतलब तो कंपटीशन होता है। अब इसमें ये कह रहा है कि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि जब फर्म खत्म हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन सोल्ड, यानी कि गुडविल का मतलब होता है यहाँ पे कि जो उसकी रेपुटेशन है, उस फर्म की कोई रेपुटेशन है, वो भी सेल हो चुकी है, यानी कि अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है पर वो खत्म हो गई है तो उसका जो रेपुटेशन है वो भी अब सेल हो चुका है, सेल। तो उसमें से अब जो उसके पार्टनर्स थे, जो उनके पार्टनर्स थे, मे कैरी आउट अ बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द बायर, यानी कि किसी ने उस फर्म को खरीद लिया है, यानी कि उसकी गुडविल को खरीद लिया, उसके नाम को खरीद लिया है, जो उस फर्म में पार्टनर्स थे, ऑलरेडी जो पार्टनर्स थे,
जो डिसॉल्व हुई है उस फर्म में पार्टनर थे, अब वो उनमें से एक पार्टनर अगर चाहे तो उस खरीदने वाले के साथ कंपटीशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यानी कि प्रतिस्पर्धा कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये सही है कि गलत है बताएं। तो ये सही है, ट्रू है ये, क्योंकि जो अगर कोई फर्म डिसॉल्व हो गई है उसकी रेपुटेशन अब सेल हो चुकी है, तो जब तक कोई एक एग्रीमेंट नहीं हो रखा है, एक एग्रीमेंट के भाई आप ऐसे कंपटीशन नहीं कर सकते, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, तो आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट हो रखा है और पहले से लिखा है कि आप ऐसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, तो उस केस में आप नहीं कर सकते। यहाँ पर ये ट्रू होगा, यानी कि सही हो गया। ओके सर, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आप सबको एक अच्छा दिन हो, आप सबका हैव अ गुड इवनिंग टू ऑल। जी कल सर, कल एक कल बताएं। और क्लास होगी ना? कल भी क्लास है इसी की, कल हम नेक्स्ट ब्लॉक शुरू करेंगे। ठीक ओके सर, है ओके ओके लर्नर्स, हैव अ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जंग लग जाएगी मेरे।